दीपक, अरे भाई मौत लगती है, क्या बताएं? रेबिडो? नहीं भाई, पानी तो खुद लेके चलता हूँ। सब बोलते हैं। नहीं नहीं, पी रखा मैंने, अभी जस्ट मैंने पिया। 8393 क्या बताया था? अरे हैंग हो गया फोन भी। चलो मैडम पकड़ना, दिन पूछना पड़ेगा। फोन ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। अब पूछ तो रहा, मार्केट के अंदर हो क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ, पिन बताओ। फोन तो काट दो, एक मिनट एक मिनट। फोन हैंग हो गया। तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में, ठीक है। और टाइम हो रहा है अपना 11:15 और मीटर रीडिंग है अपना 640। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई जी इतना टाइम कैसे लग गया आपको? लास्ट आपने देखा था 10 दिन पहले, मगर भाई 10 दिन पहले ही लास्ट वीडियो थी मेरी। उसके बाद से भाई थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम हो गई, मेरी मिसेज की तबीयत खराब हो गई भाई। उन्हीं को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल वगैरह का टेस्ट वगैरह MRI मैं टेस्ट वगैरह में टाइम लग गया भाई। अब जाके थोड़ी सी हुई है, बट अभी भी टेस्ट करवाने हैं, बहुत तगड़े तगड़े टेस्ट करवा रखे हैं। तो भाई घर बैठ के तो टेस्ट होंगे नहीं, वह तो निकलना ही पड़ेगा। पहले बच्चों की छुट्टी हो गई तो घर पर थोड़ा बहुत ध्यान देने के लिए छोड़ दिया। बाकी सुबह से लॉगिंग था, घर का सारा काम कंप्लीट करके अब मैं निकल रहा हूँ। देखता हूँ कि आप भाई कितनी अर्निंग होगी। कहाँ अर्जेंट मुझे घर जाना जाना पड़े कोई पता नहीं है, ठीक है। तो भाई एक ऊबर में राइड बजी है हमारे को सरोजिनी नगर मार्केट के लिए। 202 का अमाउंट दिखाया गया है और करीब 7 मिनट की दूरी है, 2 किलोमीटर का पिकअप है। बस तो रहे हैं 2.5-3 किलोमीटर का पिकअप बजट है, मगर वही है 400-500 के बजट है, बात भी अलग है। ये बजट है करीब वही 35-40-45 रुपए का। इसमें क्या मजा आएगा बताओ यार। तो भाई 2 किलोमीटर का पिकअप है, कोई नहीं, ज्यादा रात देरी करते हुए कस्टमर के पास मिलते हैं। लो भाई दीपक, सरोजिनी नगर मार्केट। दीपक हाँ, अरे भाई बहुत लगती है, क्या बताएं? बताना पिन, मन नहीं करता मगर क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है। 23 किलोमीटर दिखा रहा, 23:56। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर। ये लो जी, देखता हूँ। ₹202, ठीक कोई दिया। चलो भाई 202 का कितना दिया है? 192 रुपये। 12:03 हेलमेट भी लेके गया, बताओ यार। हाँ तुम तो बहुत कमीशन दे रहे हो ना भाई। अरे यार चेंज नहीं मेरे पास, इसलिए तो नहीं। पहली राइड हो आप, ऑटो भी ऑन करके देखते हैं। 84 का क्राउन प्लेस 1.5 किलोमीटर पे, अरे हट हट। चलो देखते हैं अगली राइड क्या है। पास ऑटो बजा भाई। लेगा कोई 202 का था, 66 का कौन लेगा। हाँ कोई नहीं, गर्मी बहुत फाड़ू हो रही भाई। तो भाई पेमेंट ले लिया हमने, ₹202 कस्टमर ने दे दिया है, ठीक है। एक बजा भी था, आपने देखा ही होगा। ये देखो भाई, ये ग्रीन पार्क 42 रुपये का, यार यहीं से हुआ। कोई लंबी बज जाए भाई सब मजा आता है। 210 का बजा तो था, ग्रफ के चक्कर में कोई और ले गया, बट कोई नहीं, अपडेट देखते हैं क्या। तो दोस्तों भाई 12:20 एक फिर से बजाओ उबर में, ले लिया भाई। बस जगह का नाम नहीं देखा, 165 अमाउंट देखा, ठीक है। और पिकअप देखो ज्यादा दूर नहीं है भाई, ये रहा पिकअप अपना, 7-4 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहीं से। तो फटाफट से कस्टमर के पास पहुंचते हैं। मेरे अंदाजा अशोक वजह कुछ लिखा हुआ था इनके वगैरह, कुछ पता नहीं, बट 165 देखा। और भाई मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने, और पिकअप भी दूरी था मतलब पास था, मैंने उठा लिया। चलो मिलते भाई कस्टमर के पास, लाइव लोकेशन पर देखते हैं इसको। यहाँ है तो यहीं पे कॉफ है ओवर ओवर पिन मैम 1309 एक जरा। हाँ मैडम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पेटीएम फोन पे गूगल पे सब चलेगा। फरीदाबाद है, सेक्टर 37। चलो बढ़िया भाई, 165 का अमाउंट दिखा रहा, 19 किलोमीटर।
हाँ जी मैम। ये पिछली बार कैसे गलत कोई ले गया आपको? तो लोकेशन आपने नोएडा का डाल दिया होगा मेरा। अच्छा अच्छा सर 166 1:05 के आसपास। थैंक यू। हम यहाँ देखते हैं क्या मिलता है हमें। 1:06 भाई, फरीदाबाद सेक्टर 37। भाई देखो टाइम 1:34, ठीक है, और बड़ी तगड़ी धूप में भाई एक नोएडा सेक्टर 32 के लिए मिला। एक बता तो था भाई गाजियाबाद, यानी कहाँ कहाँ का लोकेशन कैसे समझ में नहीं आता किस हिसाब से देते हैं ये। अब ये जो मैंने पिकअप किया ना, इसमें ग्रेटर नोएडा दिखा रहा भाई, ठीक है, सिटी मोड। अब मैंने कस्टमर से बात करी तो कस्टमर कह रहा भाई नोएडा सेक्टर 32 जाना है। मैं कहा ठीक है भाई। और इससे पहले भाई गाजियाबाद की लिखा हुआ क्या, गुरुग्राम गाजियाबाद शास्त्री नगर। अब ये कंफ्यूजन में मैंने उठाया नहीं मैंने उसको, गुरुग्राम है, गाजियाबाद है, शास्त्री नगर, तो तीनों जगह दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, और आपका गाजीपुर में भी है, गाजियाबाद में भी है। दो बार ही आई यार, 37 किलोमीटर का था मैंने जब चेक किया था। कोई नहीं भाई, जो नसीब में नहीं था नहीं था। अब ये भी ले लेते हैं भाई, खाली बैठे तो करेंगे क्या, गर्मी हो रही है तो कम से कम बाइक चला के हवा ही खा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट की दूरी है और करीब 2 किलोमीटर का पिकअप है इसका। बोल दिया भाई आ रहा हूँ तो भाई आ रहा हूँ तो आ ही रहा हूँ। चलो कोई नहीं, ये भी कम से कम 16-17 किलोमीटर तो होगा होगा, 32, बाकी देखेंगे वहां से क्या होता है। यार ये गलियों का खेल है ना मुझे पसंद नहीं आता। आप बताइए पता नहीं कौन सी गलियों का लोकेशन है, हल्का सा भी गली से इधर उधर हो गया ना, इसको ढूंढते रहो फिर कहीं ना कहीं। चल भाई आ तो गए, कौन सा भैया नोएडा के लिए। आई एम अराइव रेबिडो। नहीं भाई पानी तो खुद लेके चलता हूँ। सब बोलते हैं नहीं नहीं पी रखा मैंने, अभी जस्ट मैंने पिया है, नहीं तो मुझे पानी पीने के लिए पूरा ताम झाम निकालना पड़ता है। पिन बता दो 206। ठीक है रास्ता पता है ना आपको, क्योंकि गलियों से तो भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो भाई105 के। वाह सोचा नहीं था भाई, कहते हैं ना जो सोचते वो होता नहीं है, जो होता है वो सोचते नहीं है, यही है सीन हमारा भाई। 2:06 पे और भाई ये राइड थी हमारी करीब 13 किलोमीटर, ठीक है, 12.8 121 रुपये मिले, 16 रुपये एक्स्ट्रा दिया उन्होंने। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, रैपिडो ने 16 रुपये एक्स्ट्रा दिए। तो दोस्तों भाई यहीं पे कस्टमर को छोड़ के यहीं पे वेट किया मैंने भाई, चलो कुछ तो मिले, छाव की छाव भी है और इधर उधर भागने से तो अच्छा है भाई। एक मिल गया हमें छतरपुर के लिए, ठीक है, पिकअप है 1.3 किलोमीटर। तो भाई हमने तो ले लिया है मैडम को, पछा दिया है, यहाँ से जाना है छतरपुर, ठीक है, अम्बेडकर कॉलोनी। और भाई पिकअप ड्रॉप दे दी पकड़ 40 किलोमीटर दिखाया भाई साहब, मतलब ये लंका लगाएगा ये 7 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। अब ये 7 दिखता है 6.5 दिखता है, पता नहीं है इसका, 3-10 में भी तो काटेगा ना भाई। फोन हो गया था हैंग, बताओ इसको लगाने के बावजूद भी हैंग हो गया फोन भाई साहब। 2:51 हो चुके भाई और 3:57 पर दिखा रहा है ये वो पहुँचाएगा। आज जब हम बैठे थे लेने के लिए तब नहीं बजी, अब देखो कैसे टुटू टुटू कर रहेंगे चल पागल से। तो भाई मिलते हैं एस्टिमेटेड जॉब लोकेशन पे और देखते हैं कि हमें ओवर आने कितना देती है। नहीं खोला लाओ मैं खोल दूँ, ऐसे नहीं खोलना, ऐसे खोलना 311। अभी बताता हूँ कहानी यार, कहानी और कुछ और सोचा था क्या क्या निकल गया। हमने जो राइड एक्सेप्ट करी थी मैंने एक्सेप्ट करी थी छतरपुर से, बट ये छतरपुर नहीं छक्करपुर है गुड़गांव का, लेनी है मेरे पास भी 200-10 रुपये नहीं है, 10 रुपये खुले 10 रुपये दे दो, 200 दे दूंगा ना फिर, मेरे पास है नहीं ना। चलो भाई देखो 311 का क्या मिलता है हमें। यह राइड कंप्लीट होती है हमारी और छतरपुर से वहां हम शक्करपुर आते हैं, मिला है 295। देखो कितने किलोमीटर चले भाई, 42 किलोमीटर चले हैं, तो 42 के हिसाब से 295 तो हमारा अमाउंट होता है 7.95 मेरे 7 रुपये, यही बीमारी है इसकी। चलो भाई 3:49 हो चुका है, अभी फिलहाल देखते हैं क्या अगला अपडेट कब है, जल्दी मिले तो बढ़िया। भाई दोस्तों
सेक्टर 28 तो बुरा ही रह गया भाई मेरे लिए। ये फ्रेंड उल्टे उल्टे बद रहे हैं ना, इसलिए खुंदक भी आ रही है मेरे को। उल्टा कौन जाएगा 43 यार? एक लाजपत नगर की वजह थी ऊबर में ही, ठीक है एक्सेप्ट भी किया, और वही है ऑन हीट की वजह से सेक्टर 28 से 28 हीट के चक्कर में बफरिंग होने लग गया, बफरिंग के चक्कर में लंका लग गई, ले लिया था, लेने के बाद वो उड़ गया। क्या बताया, टाइम देख लो भाई 4:50 हो गए, अप्रोक से 1 घंटा हो ही चुका है हमें, 1 घंटा हमारा बर्बाद। अब मैं सोच रहा हूँ खाली जाऊँ, भरा जाऊँ, खाली जाऊँ, खाली तो जाऊँगा नहीं यार, भरे भरे जाऊँगा, क्योंकि टाइम भी हो गया तो ऑफिस की छुट्टी का टाइम भी हो चुका है, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बाकी कोई अपडेट होती है तो बताते हैं, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले बजी थी भाई अपनी उद्योग विहार सेक्टर 20 के लिए, और फिर बज गए भाई ऊबर में ही, रैपिडो में बजी थी उद्योग विहार सेक्टर 20, फिर ऊबर में बज गए भाई द्वारका सेक्टर 14। तो भाई हमने सोचा द्वारका सेक्टर 14 ही बेस्ट है, 172 का अमाउंट दिखाया है, 165 के आसपास देगा। मगर भाई बहुत टाइम लगाते, बहुत टाइम लगा दिया, बज रहे हैं ऐसे बातें नहीं बज रहे, मगर भाई बहुत उल्टे उल्टे बज रहे हैं, 30-35-40 रुपये के बज रहे हैं। और आज का तो भाई पोर्टल का देवता जो है ना वो तो ख़त्म सिंह है भाई, पूरा ख़त्म सिंह है, बिल्कुल भी नहीं बज रहा है, 50 रुपये 60 रुपये वो टाइमर लग गया भाई, वो 50 रुपये 60 रुपये के चक्कर में कोई ले नहीं रहा, मेरे क्या लगेंगे, जो जिसने छोड़ा है उसको लगेंगे, सीधी सी बात है। पर देखते हैं क्या है भाई, ये द्वारका सेक्टर 14 राइट है, कोई पार्सल तो नहीं भेज रहा, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है, लोग हमें राइड कर लेते हैं फिर पार्सल भेज देते हैं। चलो देख लेते हैं भाई क्या होता है, मिलते हैं भाई। 49-50 कहाँ हो, 50 पे हूँ, हिलन नंबर 50। अब मैं पूछ तो रहा हूँ मार्केट के अंदर हो क्या, मैं वही तो कह रहा हूँ, पिन बताओ, फोन तो काट दो, एक मिनट फोन काटो आप, फोन को क्या 0563। अच्छा मैं वहाँ खड़ा था, मैं उस साइड था, और उधर कोई था नहीं रास्ता, इसलिए घूम के आना पड़ा मेरे को। हाँ भाई 21 किलोमीटर वेगस मॉल सेक्टर 14। हाँ द्वारका सेक्टर 14 वेगस मॉल ना, ओके नो प्रॉब्लम। तो भाई 21 किलोमीटर दिखा रहा है, 52 मिनट वेगस मॉल द्वारका सेक्टर 14। घर भी बहुत है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी जून जुलाई बाकी है। आपका पेमेंट हुआ है 172 बार कोड। तो भाई 6:02 हो चुके हैं और हम अभी है द्वारका सेक्टर 14 में, तो देखेंगे भाई धीरे धीरे बढ़ते हैं, बाकी है अपडेट करते हैं आगे। तो भाई टोटली कमाई हमारी आज की है, रैपिडो में किया हमने 121, ठीक है 105 का 121 मिला, और ऊबर में हमने किए 810 रुपये की कमाई, ठीक है 4 ट्रिप मारी हमने। ऑटो तो कुछ काम का नहीं रहा, ओला बजे जब सामान कुछ ले लूँ तब बजे, तो हमारे जो पेट्रोल लगा है और हमारी जो गाड़ी चली है भाई 640 की मीटर थी, और अभी हो जाएगा घर तक 770, तो अराउंड 130 किलोमीटर हमारी बाइक चल गई, तो 200 का पेट्रोल हो गया, ठीक है और 25 रुपये ऊबर में भी आएगी, 25 रुपये ऊबर आने भी तो लेगी ना, तो भाई 225, तो भाई हमने 225 निकाल दिया हमने 931 में, तो हमारा अमाउंट बचता है 406 रुपया। बात करें कितने घंटे में, तो 11 बजे करीब हम निकले थे और अभी 6:30 तक हम घर पहुंच जाएंगे, तो अराउंड हो गया हमारे 7.5 घंटे, 7.5 घंटे में हमने पेट्रोल निकाल के जो हमने कमाया है वो कमाया है 706 रुपये 7.5 घंटे में, कमाई अच्छी होती भाई, 2 घंटे बैठ भी तो गए, 1 घंटे द्वारका 1 घंटे उधर नोएडा, तो इस वजह से मार्केट ठप, कमाई तो सही चल रही थी, एवरेज भी सही चल रहा था, बस 2 घंटे में काम खराब कर दिया। ठीक है यार 10 दिन बाद, इतना हो गया बहुत है यार, पर अब
जब तक भाई ठीक नहीं होगी तब तक तो काम ऐसे चलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दे, प्लीज चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू वॉचिंग, बाय।